उज्जैन के बड़नगर शहर में एक बैंक ने एक मृतक महिला और पुरुष को कर्जदार बताया है, जिसकी 2010 से पहले ही मृत्यु हो चुकी है और लोन 2015 का बताया जा रहा है। उज्जैन के बड़नगर शहर में एक बैंक ने उन लोगों को कर्जदार बना दिया जिनकी मौत 2010 के पहले ही हो चुकी है। बैंक के रिकॉर्ड में 2015 में इन लोगों ने बैंक की शाखा से कर्ज लिया है और उन्हें बंधक कर्जदार बताया जा रहा है। इस बात का पता तब चला जब मृतक परिवार के सदस्य बैंक पहुंचे, क्योंकि उन्हें अपने कृषि कार्य और अन्य कार्य के लिए बैंक से लोन लेना था, बैंक से मदद लेनी थी। जब वह बैंक की शाखा ब्रांच पहुंचे तो उन्हें पता चला कि उनके परिवार के सदस्यों ने पूर्व में 2015 में कर्ज लिया है और वह बैंक के रिकॉर्ड में बंधक कर्जदार के रूप में है, जबकि पीड़ित लोगों ने अब बड़नगर SDM के समक्ष लिखित में शिकायत की है। साथ ही बड़नगर के थाने पर भी शिकायत की है और जिला मुख्यालय पर भी शिकायत की है, पूरे मामले की जाँच करने की मांग की है। उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। भैया बताइए, क्या नाम है आपका, कहाँ रहते हैं और क्या पूरा मामला है? मेरा नाम है श्रवण शर्मा, मैं बड़नगर में निवास करता हूँ और ग्राम जलोदिया मेरी कृषि भूमि है। मेरे को जब मेरे पोती नामांतरण कराने के लिए दस्तावेज मैंने कोर्ट से निकाले तो उसमें ICICI बैंक से मेरे खाते के ऊपर बंधक आया। मैंने बैंक अधिकारी जो है उनसे संपर्क करके उनसे मैंने कहा, मैं श्रीमान ये मेरे खाते पे जो बंधक आ रहा है तो ये लोन किसने लिया है आप मेरे को इसको बताएं। उन लोगों ने मेरे से कहा कि जितने भी नाम है इन सबके मृत्यु पर है वो लाओ आप, आधार कार्ड वगैरह। मैं श्रीमान सबके आधार कार्ड में क्यों लूँ, मेरी मदर एक साथ 2006 में हो गई है और आप मेरे से उसके दस्तावेज मांग रहे हो और 2015 के बाद में आपने बैंक से लोन दिया, जिसकी शिकायत मैंने अनुविभागीय अधिकारी को भी करी, बैंक को भी दी और थाना प्रभारी बड़नगर को भी दे के आया हूँ। अभी तक किसी प्रकार की किसी भी द्वारा करीब कितना लोन बकाया बताना आ रहा है और करीब कितना पैसा जो है बकाया हो सकता है बता रहे हैं? ये कोई भी डॉक्यूमेंट्स मेरे को बैंक बताने को इच्छुक नहीं है और बैंक नहीं बता रही है। अच्छा, कि लोन किसने लिया और अच्छा, कितना लिया। 2010 में इन लोगों की मौत हो चुकी है, 4 लोगों की। हाँ, 2006 में मेरी मदर एक्सपायर हो चुके, 2010 में विष्णुदयाल शांत हो चुके और 89 में एक और कंचन भाई जो है खातेदार वो भी एक्सपायर हो चुके। अच्छा, और लोन बता रहे हैं 15 का, 2015 के बाद में उनने लोन दिया है। अच्छा, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई? अभी तक किसी भी कब की आपने कार्रवाई की, शिकायत कब की? मेरे को शिकायत करे करीबन 1 महीना हो गया है। अच्छा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।